नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सोनाली। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित मंडाण कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक छटा देखने को मिली। गढ़वाल रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की प्रस्तुतियों ने जहां हजारों लोगों के मन को छुआ, वहीं प्रवासी उत्तराखंड वासियों द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक पेशकश की काफी प्रशंसा की गई। दर्शकों, आज के हमारे इस भाग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हेमा नेगी द्वारा गाया गया उत्तराखंड का प्रसिद्ध जागर बेंगलुरु की धरती पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके और माँ भगवती का जयकारा मेरे साथ लगाएंगे। बोलिए माँ भगवती नंदा की। हे Hey।
नंदा देवी को स्मरण कर अगली प्रस्तुति थी प्रेम गीत की। मंच पर जैसे ही नीलिमा बिरसा का गायन हुआ, मानो हर कोई पहाड़ से जुड़ी अपनी यादों में खो सा गया। बसंत ऋतु में आने वाले उत्तराखंड के पारंपरिक फूलदेई उत्सव को याद कर पांडवाज व उनके साथियों द्वारा प्रस्तुति दी गई। घर छोड़
संगीत से सराबोर इस शाम में अगली प्रस्तुति थी अनिल बिष्ट द्वारा गाया गया प्रसिद्ध गीत पाबो बजारा। इस गीत की धुन में जितनी आत्मीयता है उतनी ही इस गीत के शब्दों और स्वर में। ताली जरूर बजन चाहिए इन रमन जैन के पूर्व उत्तराखंड आज बैंगलोर रकट होगी। क्या बात ये सचे ऐ जहे भानुमती पाबो बजहरा आहा तुई तई मूल्यो लोहे कुर्ता सुधारा। ये सचे ऐ जहे भानुमती पाबो बजहरा आहा तुई तई मूल्यो लोहे कुर्ता सुधारा।
हे मरी सको टैर भानु मरे सको टैर छोप्यारी भी किसी न कहरे इन पहले बोले छोप्यारी भी किसी न कहरे ऐ जाहे ठुम 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 ऐ जाहे भानुमती पाव बजहरा आहा तुई तई मुल्यो लोहे कुर्ता सुधारा जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा समा बंधता रहा। प्रवासी उत्तराखंडियों को जैसे बेंगलुरु की धरती पर पहाड़ जैसे सुकून महसूस होने लगा। कार्यक्रम में मौजूद प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने न सिर्फ तमाम प्रस्तुतियों की प्रशंसा की बल्कि कार्यक्रम के आयोजन की पहल को भी सराहा। कर्नल अरविंद उनियाल छो, मैं बेंगलोर में पिछला 20 साल से छू, पर मैं पहली बार पता चली कि एक मंडना टाइप को कोई कार्यक्रम होंदो, तो मैं तो बहुत खुशी हुई या कौन से मैं तो बहुत प्रसन्न था कि सारा गढ़वाली हो गया क्षण और वो मुझे मेल जुलाप एक हो सक दो गढ़वालियों के साथ, यही कारण से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश। सारे दर्शकों को पहला, हम यहाँ एक उत्तराखंडी फेस्टिवल में आए हुए हैं और ये बहुत ही बड़ा फंक्शन हो रहा है जो कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम गढ़वाल कुमाऊं जो पारंपरिक वहाँ की जो वेशभूषा है, ज्वेलरी है, जो आभूषण है, उनको पहन के हम उसको रिप्रेजेंट कर दिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर क्या है। तो वी आर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम बैंगलोर में होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आसपास सारे ही अपने ही तरफ के लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार बेंगलुरु, नानु सुषमा कुकरेती उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। आज जो प्रोग्राम मंडाण आपके सामने है, ये उत्तराखंडियों का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ से प्रसाद आया है, पहाड़ का खाना, वहाँ का खान पान, वहाँ की ज्वेलरी सब कुछ डिस्प्ले पे है। हम सब यहाँ उत्तराखंड से आए हुए हैं, कई लोग यहाँ कर्नाटका में रहते हैं। बैंगलोर जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तुम्बा वर्ल्डे सिटी नमगे तुम्बा इष्ट आ गई, तो स्वल्प स्वल्प कन्नड़ा कलता इदीवी नावो सह। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे उत्तराखंड और कर्नाटका में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। उत्तराखंड राज्य की रंगीन संस्कृति से आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।